नमस्कार किसान भाइयों, खेती किसान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मछली पालन आय स्रोत का एक अच्छा जरिया है। तो आपको बता दें, आज हम बात करेंगे मछली पालन के बारे में और उसकी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें, सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे किसान मछली पालन करके अपना आय का स्रोत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है। मत्स्य पालन में किसानों की रुचि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा योजनाओं के साथ साथ सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है, जिसके जरिए प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है। आपको बता दें, मछुआरा दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से मछुआरा समाज के लोगों ने शिरकत किया। वहीं सफल मत्स्य पालकों को विभाग द्वारा सम्मानित करने का काम किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। आज जो मछुआरा दिवस है, आप लोगों का जो भी ग्रीवांसेज है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लिख के दीजिए, हमारे ग्रुप से मिल के दीजिए। मैं निश्चित रूप से आपको वचन देता हूँ कि उसमें अधिक से अधिक समस्या का समाधान करवाऊंगा। बस अंतिम में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ साथ मत्स्य पालकों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य राज्य में दूसरे राज्यों में भी किया गया है। अभी हमारे पास जो मछली उत्पादक है, दूसरे राज्य से हमको लेना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, साल भर दो वर्ष के अंदर हम इस व्यवस्था करेंगे हम लोग कि दूसरा राज्य हमारे राज्य से देखिए, हमारा जो खपत है वो 6,42,000 टन है, लाख मीट्रिक टन है, 6,42,000 मीट्रिक टन है मछली का खपत। और अभी पिछले साल से इस साल हम लोग 15% ग्रोथ किया है मछली उत्पादन में, और आज की तिथि में हमारा करीब 5,80,000 से भी ज़्यादा, करीब 90,000 टन तक हमारा प्रोडक्शन आ चुका है। तो आप देखेंगे करीब 50,000 टन की गैप है, वो अगले एक साल डेढ़ साल में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या अनुदान कर रही है मत्स्य पालकों के लिए, क्या नई योजनाएं लेकर आई? नहीं, तालाब खोदने में अनुदान है, सोलर पंप सेट वगैरह देने में अनुदान है, ट्यूबवेल्स में अनुदान है, और जो अंगुलिका होते हैं मत्स्य का, फिंगरलिंग्स बोलते हैं, उसमें अनुदान है। इस तरह रेयरिंग स्पेस बनाने के लिए अनुदान है, और हैचरी में अनुदान है, फिश फीड मिल बनाने में अनुदान है। तो सभी तरह के जो योजनाएं हैं, जो 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 चीज़ें चाहिए मछली पालन को करने में और मछली के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने के लिए, सभी योजनाओं में अनुदान दिया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग मंत्री ब्रजकिशोर बिंद मौजूद रहे। जब माननीय सुशील कुमार मोदी जी इस विभाग के मंत्री थे, तो उस समय हमसे बात हो रही थी बाहर में आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षण लेने के लिए, यहां से लोग भेजते थे। उसमें हमारे तरफ से भी बहुत सारे लोग प्रशिक्षित होने के लिए गए थे, जा रहे हैं, लेकिन बिहार में ही। सहकारिता विभाग मंत्री राणा रणधीर सिंह मौजूद रहे। आप कोई भी खेती करते हैं, उसका ग्रोथ देख लीजिए, एक एकड़ में खेती का साल भर का लागत का खर्चा देख लीजिए और उससे आमदनी देख लीजिए। और मछली पालन में जो भाई जुड़े हैं, और यहाँ तो सब मछली पालन करने वाले लोग पहुँचे हैं, बड़े भाई किशोर बिंद जी ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा भी की और बताया, और खुद भी उस व्यवसाय से जुड़े हैं तो इनको पता भी है। एक एकड़ में पिछले दिनों में एक हिसाब किताब ऐसे ही बैठा था तो करा रहा था, इसी तरह के समारोह में बैठा, तो एक एकड़ में धान की खेती करके जितना आप कमाएंगे उससे कई ज्यादा गुना आप मछली पालन करके कमा सकते हैं। इसलिए बिहार की सरकार ने इसको महसूस करते हुए मत्स्य पालन को भी खेती का दर्जा दिया, और इस पर भी 4% के लोन जैसे बाकी केसीसी बाकी चीजों के लिए मिलता है, इसकी भी व्यवस्था करें। और चूंकि मैं सहकारिता विभाग का मंत्री हूं और इस विभाग में बहुत सारी सोसाइटीज भी हैं जिसके माध्यम से जल करों की व्यवस्था है। खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन शाह ने मौजूद रहे।
माननीय मंत्री जी और विभाग के सचिव के प्रयास से पिछले ही साल आपको जब चुनाव हो रहा था आप लोगों का, उससे पहले का आरक्षण का चर्चा जोरों पर था। जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव होने जा रहा था, उससे पहले पूरे बिहार के अंदर यह गर्म हवा चलने लगा कि इसमें आरक्षण लागू किया जाएगा। और जो हमारे मछुआरा बंधु है उन्हें डर सताने लगा कि इसमें भी जो गैर मछुआ लोग हैं ज्यादा संख्या में आ जाएंगे और हम लोग का रोजी रोटी छिन जाएगा। और यह बात जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया और हम लोगों ने जाकर के जब उनसे कहा, तो यह जान करके आपको ताज्जुब भी हो सकता और खुशी भी हो सकता, दो दिन के अंदर उन्होंने इस मामले में कैबिनेट में ले जाकर के इस समस्या का समाधान कर लिया। और इतने संवेदनशील हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए अगर कोई मछुआरा आज भी दुखी व्यक्त करता है तो मैं समझता हूं कि यह इंसाफ नहीं। बिहार के अंदर यह बात सच है कि निषाद गरीब है, अशिक्षित है, लेकिन पूरी तरह से बेरोजगार नहीं। किसान भाइयों, अभी तक आपने ये जाना कि सरकार के तरफ से मत्स्य पालन को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी किसान मत्स्य पालन करना चाहते हैं, खासकर उनको मत्स्य पालन करने के समय किन किन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मत्स्य पालन में अगर आपको अधिक प्रोडक्शन लेना है तो साइंटिफिक तरीके से उसका कल्चर करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तालाब को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। तालाब प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसमें तीन मैनेजमेंट सिस्टम है, प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, स्टॉकिंग मैनेजमेंट एंड पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। मीन्स तालाब में अगर आप मछली डालने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या प्रबंधन करना है। और दूसरा हो गया, आप जब तालाब में मछली डाल रहे हैं, डालते समय क्या क्या प्रबंधन करना है, उसके बाद मछली जब तालाब में आप डाल चुके हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले जब तालाब में मछली अगर डालने जा रहे हैं, अगर आपका पुराना तालाब है तो सबसे पहले हम जो है उसमें अनवांटेड जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो वांछनीय जिसको जलीय पौधे बोलते हैं, उसका उन्मूलन करना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसका तीन विधि है, एक तो मैनुअल है, दूसरा केमिकल है और तीसरा जो है पॉलीथीन लाइनिंग वगैरह करके करते हैं। तो जो मैनुअल विधि है वो सबसे बेस्ट विधि है, उसको आप जो है अगर छोटा एरिया है, कम एरिया है, तो आप जो है मैनुअली हाथ से उसको निकाल सकते हैं। दूसरा बात, आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसमें 2,4-D का प्रयोग स्प्रे करते हैं 7 से 10 kg पर हेक्टर। तो उसको स्प्रे करने के बाद क्या होगा कि वो सारा वो गल जाएगा, गलने के बाद उसको फिर आपको निकालना ही है। तो बेटर है कि आप जो है उसको मैनुअली निकाल लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका केमिकल का कॉस्ट भी बचेगा, प्लस केमिकल पेस्टिसाइड अधिक यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वाटर क्वालिटी डिटेरियर होता है, उसका टॉक्सिसिटी जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपका स्टॉकिंग करने का समय जो है उसमें ज़्यादा वेस्ट होगा, अगर मतलब ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अगर पुराना तालाब है तो दूसरा उसमें अनवांटेड फिश बहुत सारा होता है, जो कार्निवोरस होता है, मांसभक्षी होता है। जैसे आप अपना सीड डालेंगे उसमें कल्चर के लिए तो वो उसको खा जाएगा। जैसे 10,000 डाल रहे हैं तो आपको हार्डली 4-5,000 मिल सकता है, या उससे भी कम मिल सकता है, या एक भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अनवांटेड फिश को रिमूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले महुआ की खल्ली जो आपका ऑर्गेनिक है उसको इस्तेमाल करते हैं। महुआ की खल्ली कितना डालते हैं, 2,500 kg पर हेक्टर मीटर। अगर तालाब 1 hectare का है और उसमें पानी 1 meter है तो उसमें हम जो है महुआ का खल्ली 2,500 kg डालेंगे। अगर तालाब में पानी 2 meter है तो 5,000 kg डालेंगे। मतलब 1 hectare और 1 meter पानी है तो 2,500 kg, 2 hectare, 1 hectare 2 meter पानी है तो डोज डबल हो जाएगा। तो आप पानी के हिसाब से अपना डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, ये तो एक हो गया, अगर आप महुआ के खल्ली इस्तेमाल कर रहे हैं फिश पॉइजनिंग के लिए, अनवांटेड फिश को मारने के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब इनिशियल फर्टिलाइजेशन करते हैं, गाय का गोबर जो डालते हैं तालाब में, उस समय इसको जो है महुआ के खल्ली अगर इस्तेमाल किए हैं तो गाय का गोबर 5 tons पर हेक्टर कर देते हैं। जनरली जो है गाय का गोबर 10 tons पर हेक्टर डालते हैं प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट में। तीसरा हम लोग क्या करेंगे कि उसमें बहुत सारा पुराना तालाब है तो बहुत सारा एक्वेटिक इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं,
तो एक्वेटिक जो कीड़ा होता है उसको मार, वो भी आपका जो स्पॉन उसमें डालेंगे तालाब में तो उसको हार्म करता है। तो उसके लिए हम लोग सॉप ऑयल इमल्सन का तैयार करते हैं, जिसमें 56 kg जो है कोई भी एडिबल कोई भी ऑयल जो है केरोसिन तेल या आपका डीजल कुछ भी ले सकते हैं 56 लीटर, और 18 kg कोई भी डिटर्जेंट सोप जो होता है उसको लेते हैं, उसको दोनों को मिक्स करके सुबह सुबह तालाब में डालते हैं। सुबह में इसलिए डालते हैं कि उस समय हवा कम होता है और जिससे कि जो है पानी पर जब हम डालेंगे तो पानी के ऊपर वो एक लेयर बना देगा, जिससे कि वो ऑक्सीजन जो है डिप्लेशन हो जाएगा और वो मर जाएगा। तीसरा, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ये अभी पुराना तालाब के बारे में बताएं, जिसके पास पुराना तालाब है। अब जिसके पास नया तालाब है, नया तालाब खुदवाए हैं, तो सबसे पहले उसमें चूना का प्रयोग करेंगे। चूना 250 से 300 केजी पर हेक्टेयर डालते हैं। अगर पुराना तालाब है तो रात में चूना फूलने के लिए डाल दीजिए और सुबह में उसको घोल करके पूरा पानी में छिड़क कर दीजिए। अगर नया तालाब है तो जो है सूखा चूना जो है सिंपली उसको पूरा तालाब में छिड़क देना है। उसके बाद मैन्यूर का इस्तेमाल करना है। मैन्यूर में हम लोग डालते हैं 10 टन पर हेक्टेयर, 10 टन गोबर जो है 1 हेक्टेयर तालाब में डालते हैं। अगर पुराना तालाब है या नया तालाब है दोनों में सेम डोज रहेगा। इनिशियल डोज हम लोग उसका 10-25% डालते हैं, 10 टन का 25% हम इनिशियल डाल देंगे, बाकी जो डोज होगा उसको मंथली में डिवाइड कर देंगे। सपोज़ 1000 kg पर मंथ डालना है और जो है इनिशियल जो है 2000 kg सपोज शुरू में डालना है गाय का गोबर। उसके साथ हम सेम करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में, उसमें जो है हम 200 से 250 kg यूरिया डालते हैं पर हेक्टर। इनिशियल डोज वही 25 से 30 kg डालना है, बाकी सबसिक्वेंट को जो है मंथली डोज में डिवाइड कर देना है। सिंगल सुपर फास्फेट डालना है आपका 300 kg, उसको भी जो है आप मंथली डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट डोज 25% डालना है। जब आप पाउंड फर्टिलाइज कर दिए तो अब हम उसमें स्टॉकिंग करेंगे। स्टॉकिंग करने के लिए जो है आप बीज को जो है सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद डालें, क्योंकि फीस जो होता है बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा, तापमान में अगर चेंज होगा 5 डिग्री का, तो आपका फिश मरने लगेगा। तो बेटर है कि सूर्य उगने से पहले आप स्टॉकिंग कर दें, नहीं तो सूर्योदय के बाद। अगर आप हैचरी से सीड लाते हैं तो आप ऐसा टाइमिंग फिक्स कीजिए जिससे कि आप जो है अपने तालाब पे सुबह सुबह पहुँचें। तो उसको डालना कैसे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आप सपोज हैचरी से फिश को लेकर आए तो ऑक्सीजन पैकिंग में होगा, तो जिस ऑक्सीजन पैकिंग में आप फिश को लेकर आ रहे हैं उसका जो पानी का तापमान होगा वो अलग होगा, और जो आपके तालाब में पानी का तापमान है वो अलग होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्लास्टिक बैग को आपके तालाब में छोड़ देंगे बिना मुँह खोले, मतलब मछली को नहीं डालना है, उसको जो है आधा घंटा 45 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि दोनों का जो पानी का टेम्परेचर है सेम हो जाए। उसके बाद हम मछली को खोलते हैं। उसके बाद हम लोग फीडिंग मैनेजमेंट पे आते हैं। जब मछली अगर आपका 3 इंच तक का है या फिंगरलिंग है तो शुरू में उसको 4 से 5% खाना देते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। सपोज अगर आपका मछली 1 kg का है तो उसका 5% खाना देना है। अगर फिर उसमें मंथली सैम्पलिंग करते हैं, मंथली हर एक मंथ में आप देखिए 10 मछली को निकाल के वेट ले लीजिए, एवरेज वेट आ जाएगा आपकी 5 kg है या 2 kg है जो भी है, तो आप जितना मछली डालें उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको बायोमास निकल जाएगा कि आपके तालाब में इतना मछली है। उसके हिसाब से फिर आपको जो है 5% या 3% खाना देना है। अगर 3 महीने के बाद उसमें 3% खाना देते हैं, 3% वो कंटिन्यू जब तक कि आपका मार्केट साइज़ नहीं आ जाए, लगभग 8-9 महीने तक देते हैं जो कि उसका कल्चर पीरियड है। उसके बाद जो है आप फीडिंग जो है सेम टाइम सेम प्लेस एवरी डे देना है, एक जगह पे एक टाइम और सेम क्वांटिटी फॉर एक मंथ के लिए। फिर जब नेक्स्ट मंथ सैम्पलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वेट बढ़ा है, तो उस हिसाब से फिर फीडिंग चेंज होगा। इस तरह से अगर आप मैनेज करेंगे तो लगभग 5 से 6 टन पर हेक्टर आपको प्रोडक्शन आएगा। और किसान भाई, मत्स्य पालन के लिए ये भी जानना जरूरी है कि तालाब का जल स्तर कितना होना चाहिए और सर सफाई का किस तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए। तालाब में जल स्तर आपका जो है स्टैंडर्ड होता है 1.5 मीटर से 2 मीटर लगभग जो है आपका। अगर छोटा तालाब है तो 1.5 मीटर तक चल ठीक है, नहीं तो आपको वेरी करेगा 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक अगर बड़ा तालाब है तो। तालाब के जल स्तर और उसके साफ सफाई के बाद हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि मछलियों का भोजन क्या होना चाहिए। मछलियों का भोजन में आपको आप या तो आप फार्म मेड फीड बना सकते हैं अपने फार्म पे ही, जो कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्ता होगा, और आर्टिफिशियल फीड मार्केट में अवेलेबल है। फार्म मेड फीड कैसे बनाएंगे, तो जो आपका इंग्रेडिएंट है, सपोज अगर आप मस्टर्ड ऑयल केक और जो है राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, इसका इस्तेमाल करते हैं, चावल की भूसी होता है या गेहूँ का जो भूसी होता है,
और इसके अलावा आप सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मछली को 25 से 30% प्रोटीन मिले, तो इसके लिए आपको 35% सरसों की खल्ली, जैसे एक किलो खाना बना रहे हैं तो 350 ग्राम सरसों की खल्ली डालना है, 250 ग्राम सोयाबीन डालना है, उसके बाद जो है आप बाकी जो बचा है उसमें राइस ब्रान या व्हीट ब्रान डालना है। इसके अलावा जो है विटामिन मिनरल और जो एडेबल ऑयल है उसको लगभग 1 से 2% डालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पानी गर्म करते हैं रात में, और आपका खल्ली और जो चावल का भूसी वगैरह है उसको रात में फूलने डाल देते हैं। सुबह में उसको जो है ठंडा होने के बाद 100 डिग्री पानी गर्म होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो आपका मस्टर्ड ऑयल केक है इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है और ईजी डाइजेस्ट होने के लिए भी कुक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या करते हैं कि रात में उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, सुबह में उसमें जो है सिर्फ रात में जो गर्म पानी में डालना है उसमें मस्टर्ड ऑयल केक डालना है, मतलब सरसों की खल्ली, राइस ब्रान या व्हीट ब्रान डालना है, ये तीन चीज़ को डालना है। सुबह में जब हम उसको मिक्स कर लेंगे तो उस समय विटामिन मिनरल का मिक्स और ऑयल मिला देंगे, हाँ उसमें हार्डली 1 से 2% डालते हैं। तो जैसे कि 1 किलो फीड बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 50 ग्राम ऑयल डालना है। तो इस तरह से आप कर लीजिए और उसको गोला बना के आप बैग में फीडिंग कर सकते हैं या तो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आप ये फार्म मेड बनाएंगे तो आपको हार्डली 25 रुपये पर केजी फीड कॉस्ट आएगा। अगर आप आर्टिफिशियल फीड पे जाएंगे तो अभी कोई भी फीड जो है 30-35 रुपये किलो से कम नहीं है। सिंकिंग या फ्लोटिंग फीड आपका 40+ होगा, सिंकिंग फीड जो है आपको 30-35 में मिलेगा, तो फार्म मेड फीड में भी आपको उतना ही फायदा होगा। और अब किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मछली के उत्तम बीजों की पहचान कैसे की जाए। मछली का उत्तम बीज, उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे अगर स्पॉन खरीदने जा रहे हैं तो स्पॉन जो होता है 4 दिन का बच्चा होता है, जो अंडा से बच्चा निकलता है और 4 दिन के बाद जो है वो 4 दिन अंडा से बच्चा निकलने के बाद उसको स्पॉन बोलते हैं। वो 3 दिन तक उसका योक सेक पे वो फीड करता है, उसके 4th दिन के बाद उसमें फीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे पानी, जब वो जिस पानी में स्पॉन रहता है वो बहुत फास्ट मूविंग रहेगा। अगर वो स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है ठीक से, या मतलब अपसाइड डाउन हो रहा है, उलट पलट हो रहा है या खड़ा है इस तरह से, तो उसमें समझ लीजिए वो आपका हेल्दी नहीं है। अगर वो अच्छा से स्विम कर रहा है और पानी के उल्टा डायरेक्शन में अगर स्विम कर रहा है तो बहुत हेल्दी है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर वो हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छा स्पॉन रहेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो स्विम करने का कोशिश करेगा, तो समझिए वो हेल्दी स्पॉन है। फिंगरलिंग पे आएंगे तो फिंगरलिंग में आपको देखना है कि बॉडी उसको पिन हेड तो नहीं है। जैसे क्या होता है, कुछ मछलियाँ जैसे फिंगरलिंग खरीदने जा रहे हैं तो कुछ मछली में आप देखेंगे उसका हेड बड़ा होता है और जो है बॉडी बहुत पतला होता है, तो उसको पिन हेड डिजीज़ बोलते हैं। जैसे पिन जैसे होता है, पिन में जैसे हेड होता है उसी तरह का हो जाता है, तो बॉडी में फ्लैश कम होगा, हेड बड़ा होगा। तो उस तरह की मछलियों को हम लोग अवॉइड करना चाहिए स्टॉकिंग के समय। आप सिर्फ उसमें देखना है कि मछली का रिफ्लेक्शन कैसा है, जैसे पानी में उंगली डाले मछली फट से रिफ्लेक्ट करके भाग रहा है कि नहीं, तो ये सब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेल्दी फिश है। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने ये जाना कि मत्स्य पालन को लेकर खासकर किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अब ये कि सरकार किसान भाइयों को किस तरह के अनुदान दे रही है मछली पालन के लिए और ऋण की व्यवस्था किस तरह से की गई है। आज मैं आपको जिला मत्स्य कार्यालय पटना से प्राप्त होने वाले या मत्स्य विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदान हेतु किस तरह से आवेदन पत्र भरते हैं और कौन कौन से कागजात संलग्न करते हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण आपको देने जा रहा हूं। अब हमारे यहां विभिन्न योजनाएं अभी चालू हैं, उनमें पहली योजना है नए तालाब के निर्माण का, आर्द्रभूमि में तालाब निर्माण का, नर्सरी टैंक के निर्माण का, इन और बोरिंग पंप सेट के निर्माण हेतु। इन तीनों चारों योजना हेतु कागजात की जो आवश्यकता पड़ती है वह लगभग एक समान है। सर्वप्रथम आपको जिस भूमि पर, जो प्रस्तावित भूमि है जिस पर तालाब का निर्माण किया जाना है, उसका अद्यतन रसीद यानी कि रेंट रिसिट चाहिए। दूसरा कि उसका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र चाहिए, जिसे LPC कहते हैं, लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट। तीसरा, उस
जमीन जो प्रस्तावित जमीन है उस जमीन का एक नक्शा जो गांव का है उस पर उसका मार्क करके उसकी चौहद्दी अंकित कर दें, उसके चारों तरफ किनका जमीन है। उसके बाद जो आवेदक हैं उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड का होना आवश्यक है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, स्व अभिप्रमाणित, दो पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा आपके बैंक का डिटेल देने का पर्याय ये है कि या तो आप अपने पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति लगा दें और नहीं तो जो चेकबुक है उस चेक एक कैंसल्ड चेकबुक आप लगा दें जिसमें कि जो लाभुक हैं उनका नाम हो, उनके बैंक का नाम हो, उनके बैंक की शाखा का नाम हो, उनका आधार, उनका अकाउंट नंबर हो और उनका IFSC कोड हो, क्योंकि सारे जो भुगतान होते हैं अनुदान के वो सभी NEFT के द्वारा या RTGS के द्वारा लाभुक के खाते में सीधे तौर पर किया जाता है। इसके अलावा इन्हीं कागजातों के साथ आपको बोरिंग पंप सेट के लिए भी आवेदन देना होगा, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन रहता है कि जो आवेदन आप दे रहे हैं वह निर्मित तालाब का जो कुल रकबा है, जल क्षेत्र है, वो जल क्षेत्र आधा एकड़ जरूर हो। इसके अलावा हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के लिए भी अनुदान की योजनाएं हैं, उनके लिए जो योजना है वो कम से कम उनको आधे एकड़ में, अधिक से अधिक आधे एकड़ में तालाब का निर्माण का योजना है, जिसकी कुल योजना की राशि 1.5 लाख रुपए है और इसके साथ उन्हें बोरिंग और पंप सेट भी दिया जाता है, उसके लिए 75,000 है और दोनों प्राकलित राशि पर 90% का अनुदान मिलता है। पूर्व में जो कागजात बताए गए थे वो सारे कागजात इसमें भी लगेंगे। इसके अलावा उन्हें जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी लगाने की आवश्यकता पड़ती है और अनुसूचित जाति के आवेदकों का चयन इस आधार पर किया जाता है कि जिनकी आय कम हो उन्हें हम पहले ये अनुदान की राशि या देते हैं या उन्हें आदेश भी तालाब निर्माण का पहले देते हैं। इसके अलावा हैचरी और फीड मिल की भी योजना है, वह योजना एक समेकित केंद्रीय योजना के तहत होती है और उन योजनाओं का आवेदक जो अप्लाई आवेदन देते हैं हमारे यहाँ उसे सुटेबल अगर पाते हैं, जैसे उनके पास 3 एकड़ ज़मीन होना चाहिए हैचरी के लिए, तो 3 एकड़ जिस जमीन हो, जमीन के नीचे पर्याप्त मात्रा में पानी हो और उसकी अगर सुटेबिलिटी हो तो निश्चित तौर पर हम उन्हें भी हैचरी का लाभ देते हैं। तो किसान भाई, आज के इस प्रोग्राम में आपने जाना कि मत्स्य पालन के लिए खासकर किन विशेष बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए और इसके लिए सरकार किस तरह से योजनाएं प्रदान कर रही है। इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।